नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। और संडे के सुबह 7 बजे हम एक साथ हो गए हैं आज फिर से मोटिवेट होने के लिए। और आज के इस मोटिवेशनल सेशन में मैं बात करूंगा महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों के बारे में। आइए समझते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के उन 21 अनमोल विचारों को जो आपके जीवन को अभी और इसी समय बदलने में सक्षम है। एक एक विचार अपने आप में बहुमूल्य है, इन विचारों को सुनिए ही मत, इन्हें अपने जीवन में भी उतारते चलिए। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, और वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदलने के लिए पर्याप्त है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। बुद्ध कहते हैं कि अपनी मंजिल का रास्ता आप खुद ही बनाएं, अपना दिया खुद बने, जैसा कि बुद्ध ने कहा है, अप्पो दीपो भव। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु का डर नहीं होता। जो आप सोचते हैं, वो आप बन सकते हैं। जीवन में एक भी दिन समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना के। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है, वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल लेता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, इंसान भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। दुनिया में 3 चीजों को कभी नहीं छिपाया जा सकता, एक है सूर्य, एक है चंद्रमा और एक है सच्चाई। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता, पवित्रता और अपवित्रता खुद पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को दूसरों से ईर्ष्या करने में आनंद आता हो, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। जो समय आपका बीत गया है, वो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जाग रहा है, उसके लिए रात लंबी है, जो थक गया है उसके लिए दूरी लंबी है, और जो मूर्ख है, जो अपना धर्म नहीं जानता, उसके लिए यह जीवन बहुत लंबा है। आप कितने भी पवित्र शब्द बोल लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वो ही जीवन में शांति पाते हैं। बुद्ध ने कहा कि शांति हमेशा भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या है जो करना बाकी है। मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो, हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता हो। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होती है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए सपने देखना है, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान के क्षण में केंद्रित करना ही जीवन है। यदि आप सही में खुद से प्रेम करते हैं, तो आप कभी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा सकते। दुनिया का हर इंसान अपना भविष्य खुद रचता है। यदि आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने से मत रोको। आप अपने जीवन में उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। यदि आप खुशी चाहते हैं, तो ये आपको अपने कर्मों से मिलेगी। जो मूर्ख होता है, वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता, लेकिन ज्ञानी मूर्ख से बहुत कुछ सीख लेता है। आपके विचारों में सबसे ज्यादा ताकत है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती के प्रकाश को मिटा सके। यदि आप खुशियां बांटते हैं, तो वह कभी कम नहीं होगी। आपके अंदर क्रोध एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, आपका खुद का नुकसान तो कर ही देती है। यदि आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहले ठीक से यात्रा करनी पड़ेगी। आप कब तक अपने जीवन के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे? सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं कर सकता, या फिर शुरुआत नहीं करता। समंदर बूंद बूंद से भरता है। तो मित्रों, महात्मा बुद्ध के ये अनमोल वचन जो आपने आज सुने,
एक एक वचन बड़ा कीमती है, और जो अंतिम वचन जहां हम आकर लास्ट में रुके वो था, समंदर एक एक बूंद से भरता है। इस एक एक शब्दों पर, एक एक वचन पर, एक एक मंत्र पर एक एक लेक्चर, एक एक व्याख्या हो सकती है। बुद्ध कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि एक एक बूंद, जिस तरह संस्कृत का भी एक श्लोक है कि एक बिंदु निपाति न जायते पुर्यते घट या हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी तरह से एक एक करके धीरे धीरे ज्ञान को और धन को आना चाहिए। तो दोस्तों, अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही ज्ञान को आने दीजिए, क्योंकि लगातार मैं कहता रहता हूं नॉलेज इज पावर। बुद्ध के इन विचारों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, आप सफलता और शांति की ओर अग्रसर हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।